नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। हाई कोर्ट ने 3 जिलों को दी कड़ी चेतावनी, कोरोना नियम टूटने पर जताई चिंता, गाइडलाइन अपनाने को दिए आदेश। कल हरिद्वार और हिमाचल की प्रमुख नदियों में प्रवाहित होंगी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियां। प्रदेश के हर ब्लॉक में लोगों ने किए अस्थि कलश के दर्शन। अब बिना चेकिंग हिमाचल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे पर्यटकों के वाहन, बॉर्डर और चेक पोस्टों पर तलाशी के बाद ही मिलेगी एंट्री। सोलन में डेल्टा वेरिएंट के 10 नए केस, जून में भेजे सैंपल के बाद आई रिपोर्ट में खुलासा। स्कूलों में अगस्त से बुलाए जा सकते हैं 10वीं 12वीं के छात्र, कैबिनेट में होगा अंतिम फैसला। एक्साइज पुलिस का काम संभालेंगे पुलिस कर्मचारी, डेपुटेशन पर जवानों को लेगा स्टेट टैक्स एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। हिमाचल पर भारी पड़ सकते हैं 4 दिन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 24 से 36 घंटे भारी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। हाई कोर्ट ने कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में कोविड नियमों की पालना न करने पर चिंता जताई है। कोरोना नियम टूटने पर हाई कोर्ट ने इन 3 जिलों को सुधरने की कड़ी चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि पर्यटक स्थलों पर सैलानी बिना मास्क घूम रहे हैं, इसके चलते जिलों को नियमों की पालना करवाने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में कोरोना नियमों के टूटने पर राज्य हाईकोर्ट ने 3 जिलों को सुधरने की कड़ी चेतावनी दी है। कोविड प्रबंधों की समीक्षा करते हुए उच्च न्यायालय ने कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में नियमों की पालना न करने पर चिंता जताई है। 3 जिलों को कड़ी सावधानी के साथ पर्यटकों से कोविड नियमों की पालना करवाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी डीसी से कोविड प्रबंधों का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने किन्नौर जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए किन्नौर मॉडल को सभी जिलों में लागू करने के निर्देश भी दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि पर्यटक बिना मास्क घूम रहे हैं, कोरोना नियम टूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों को कल प्रवाहित किया जाएगा। आज प्रदेश भर के ब्लॉकों में वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश रखे गए, जहां लोगों ने पूर्व सीएम को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों को कल प्रवाहित किया जाएगा। हरिद्वार में उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में भी उनके अस्थि प्रवाहित किए जाएंगे। आज पूरे प्रदेश के 72 ब्लॉकों में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश रखे गए थे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने अजीज नेता को याद किया। शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में अस्थि कलश रखा गया, जहां पर शिमला के लोगों ने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री को विदाई दी। वहीं आखिरी श्रद्धांजलि आज पूरे प्रदेश में वीरभद्र सिंह को दी गई। हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों द्वारा मचाए जा रहे हुड़दंग पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब प्रदेश के बॉर्डर और चेक पोस्ट पर वाहनों को चेकिंग के बाद ही एंट्री मिल रही है। कुल्लू जिले में बाहरी युवाओं ने स्थानीय लोगों पर तलवारों, डंडों से हमला कर दिया था, इसके चलते पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। हिमाचल की शांत फिजाओं में सैलानियों की हुड़दंग के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। मनाली में सैलानियों द्वारा तलवार लहराने के घटनाक्रम के बाद अब बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वाहनों की पूरी चेकिंग के बाद ही वाहन प्रदेश के बॉर्डर चेक पोस्ट से आगे प्रवेश कर पा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना बंदिशों में छूट मिलने के बाद काफी संख्या में सैलानी प्रदेश की सैरगाहों में आ रहे हैं। वीकेंड पर तो प्रदेश की अधिकांश सैरगाहें सैलानियों से पैक चल रही थी। ऐसे में इस दौरान कुछ हुड़दंगबाज भी प्रदेश में आ रहे हैं, जो जगह जगह हुड़दंग मचाकर यहां की शांति को भंग कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को कोरोना ने फिर चिंता में डाल दिया है। सोलन जिला में डेल्टा वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं। पिछले महीने ही कुछ सैंपल भेजे गए थे, जिनमें ये रिपोर्ट आई है। वहीं लोगों द्वारा मास्क न पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग न रखना बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश के जिला सोलन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 10 नए केस सामने आए हैं। सीएमओ सोलन राजन उपल ने बताया, पिछले महीने कुछ सैंपल भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 से 12 लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। कुछ वेंटिलेटर और स्टाफ की मांग सरकार से की गई है। प्रदेश में कुछ लोग कोरोना नियमों को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं।
पिछले महीने जीनोमिक स्टडी के लिए सैंपल्स गए थे उसमें डेल्टा की पुष्टि पाई गई। कोई हमारे इतना घातक नहीं है, पेशेंट्स ठीक है, पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये वेरिएशंस इनकी आती ही रहेगी, कोई ये रुकेंगे नहीं। अगले महीने से समर और विंटर दोनों स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। अगर कैबिनेट में इस प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है तो सभी सरकारी स्कूलों में फिजिकली कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कोविड के बीच सरकारी स्कूलों में छात्रों को बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। विभाग के प्रपोजल को अगर सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे में अगस्त से समर व विंटर दोनों स्कूलों में 10वीं व 12वीं के छात्रों को बुलाया जा सकता है। इससे पहले शिक्षा विभाग सभी स्कूल प्रबंधन को भी आदेश जारी कर रहा है कि अभी से तैयारियां रखें, कोविड के चलते उचित इंतजाम करने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि 10वीं व जमा 2 के छात्रों की फिजिकली कक्षाएं शुरू करने के प्रपोजल पर अगर सरकार अनुमति देती है तो पूरे इंतजाम के तहत स्कूलों में कक्षाएं लगेंगी। हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पुलिस का जिम्मा पुलिस विभाग के जवान संभालेंगे। पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर कर्मचारी लिए जाएंगे जिसके बाद विभाग अपनी भर्तियां करेगा। वहीं सीमाई जिलों में शराब तस्करी को रोकने के लिए गार्ड तैनात की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की एक्साइज पुलिस का काम पुलिस विभाग के जवान देखेंगे। पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर स्टेट टैक्स एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जवानों की तैनाती करेगा। प्रदेश के सीमाई जिलों जहां पर शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है वहां एक्साइज पुलिस की 2 गार्ड तैनात की जाएंगी। वहीं शेष अंदरूनी जिलों में 1 गार्ड होगी। आबकारी एवं कराधान विभाग जिसका नाम बदलकर अब स्टेट टैक्स एवं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट रख दिया गया है में एक्साइज पुलिस को तैनात किया जा रहा है। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा ने बताया कि सरकार ने एक्साइज पुलिस को मंजूरी दी है जिसके बाद अब पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर कर्मचारी लिए जाएंगे जिसके बाद विभाग अपनी भर्तियां करेगा। हिमाचल प्रदेश में फिर लोगों को बारिश डरा सकती है। प्रदेश में 4 दिन मौसम भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में कल के बाद 24 से 36 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों भारी बारिश से हुई तबाही से सहमे लोगों के माथे पर फिर चिंता की लकीरें छा गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 17 जुलाई के बाद 24 से 36 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मैदानों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है जबकि राज्य में 22 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। वहीं प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन के समय धूप और बादलों का खेल चलता रहा, पहाड़ों पर धुंध घिरी रही। बारिश न होने से अधिकतम तापमान में पिछले गुरुवार के मुकाबले आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब चलते चलते बीबीएन में पकड़ा 10 किलो गांजा, बद्दी की एसआईयू टीम ने मलकुमाजरा में बरामद की नशे की बड़ी खेप। हमीरपुर में गौशाला में फंदे से लटका मिला शव, लाश की शिनाख्त नहीं, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजी डेड बॉडी। डिपो के राशन में पत्थर मिट्टी, सिरमौर जिला के हरिपुर धार में उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर को लौटाया गेहूं चावल, दुकान के बाहर हंगामा। बंगलुरु और नासिक के टमाटर ने बिगाड़ा खेल, सोलन के किसान मायूस, इस बार 350-400 रुपए ही बिका क्रेट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना ना भूलिए 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।